हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंगूर जूस की रेसिपी। जूस के लिए गाइस मैंने फ्रेश अंगूर ले लिए हैं। अंगूर में विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी होता है, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। अंगूर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जूस बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हम अंगूरों को अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए गाइस, अंगूरों को पकाने के लिए ये वाइट वाइट पाउडर लगाया, तो इसीलिए इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। अगर ये हम अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है अंगूरों को। एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 स्पून। मिक्स कर लेंगे इसको और इसी पानी में गाइस हमें अंगूरों को वॉश करना है। इसी से ये जो वाइट वाइट है इनका वो निकलेगा और इन्हें हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ेंगे, जिससे जितना भी इसका वाइट वाइट है वो निकल जाए। गाइस 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल कर एक बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। गाइस मैंने ग्रेप्स को एक बार और साफ पानी से वॉश कर लिया है और मैंने ये 1/2 kg ग्रेप्स लिए हैं। मिक्सी जार लेंगे, ग्रेप्स डालेंगे 1/2 गिलास, वाटर ऐड करेंगे और इसे गाइस ग्राइंड कर लेंगे। गाइस मैंने इसका जूस बना लिया है, देखिए इसमें कोई भी अंगूर का रहना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से पीसना है। छलनी लेंगे और इसको छानेंगे। छान लिया है जूस को मैंने। 2 स्पून बूरा शुगर डालेंगे। गाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, आप जितना मीठा खाते हो या फिर आपके अंगूर खट्टे हैं तो आप उस हिसाब से मीठा डाल सकते हो। इसे मिक्स कर लेंगे। गाइस आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा काला नमक, 2 स्पून लेमन जूस। मिक्स करेंगे। गाइस जब भी आप अंगूर के जूस को बनाएं तो आप इसे फ्रेश ही बनाएं, इसे बनाकर ना रखें, जब आपको पीना हो तभी आप इसे बनाएं। जूसों को ग्लासों में सर्व करेंगे। गाइस मैंने ग्लासों पे साइड में इस तरह से अंगूर लगा दिए हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए गाइस अंगूर का जूस रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। अंगूर का जूस पीने से आपके हेयर हेल्दी होते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। गाइस अगर आपका मन हो तो आप इसमें आइस डाल के भी पी सकते हैं, बनाइए और पीजिए। कैसा लगा आपको अंगूर का जूस मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।